हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका इंट्रो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से चैप्टर 1 भी हमारा फिनिश हो चुका था, काफ़ी अच्छे कमेंट मिले आपके। तो अब हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है। बेसिक वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जिससे हम ये एक्सरसाइज को आराम से कर लेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। हमें यह बताना है कि ये कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो आपको मैंने चर बताया था कि इंग्लिश के अल्फाबेट, इंग्लिश के ABCD या XYZ, MN या TS, तो इंग्लिश का जो लेटर होता है उनको हम चर बोलते हैं। और बहुपद बताया था कि उन चर की जो पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये बताने कि कौन कौन से चर हैं एक चर में बहुपद हैं और कौन से नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो जरा देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 4x की पावर 2 - 3x इसकी पावर 1 बोलते हैं, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, +7। तो आपको देख रहा है पूरी समीकरण में या पूरे बहुपद में एक ही चर यूज हो रहा है x, एक ही इंग्लिश का लेटर यूज हो रहा है x। तो ये एक चर का है, ठीक है, इसमें एक चर यूज हो रहा है, तो ये बात तो ठीक है। साथ में एक चर में बहुपद, तो एक चर का मतलब है एक इंग्लिश का लेटर यूज हो रहा है, ये भी बात ठीक है। अब बहुपद का बोलेंगे जो इंग्लिश का लेटर यूज हो रहा है, उनकी जो पावर देखेंगे, उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, 4, 5, 6, 20, 100 कुछ हो जाए, क्या नहीं होनी चाहिए, बटे में पावर नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1/x नीचे नहीं होना चाहिए x, तभी तो पावर माइनस में होगी। या क्या नहीं होना चाहिए, x की पावर 3/2 नहीं होना चाहिए, या √x नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या दशमलव में भी पावर नहीं होनी चाहिए, 3.2 ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पावर जो होनी चाहिए वो सिंपल नंबर होना चाहिए, कोई सीधा साधा पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़, दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि कितने इंग्लिश के लेटर यूज हो रहे हैं, तो एक ही हो रहे हैं तो एक चर, और बहुपद में आपने देखा पावर 2 है, पावर 1 है, तो एक चर में बहुपद है, एक चर में, एक चर में बहुपद है ये, ठीक है ना। तो बस इतना आसान है। तो इसी तरीके से सेकंड वाला देखेंगे, यहां भी इंग्लिश का लेटर एक ही यूज हो रहा है y, ये भी एक चर। अब बहुपद उसकी पावर 2, ये भी ठीक है, संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम बोल रहे हैं कि एक चर, चर का मतलब है इंग्लिश के कितने लेटर, कितने तरह के लेटर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही तरह का हो रहा है वाई, तो एक चर हो गया। बहुपद देखने के लिए जितने भी वहाँ पर चर यूज हो रहे हैं, मतलब जितने भी इंग्लिश के लेटर जहाँ जहाँ यूज हो रहे हैं, उनकी पावर जो होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो देखिए एक चर है, बिल्कुल सही, उसकी पावर, चर की पावर देखेंगे, नंबर की पावर नहीं देखेंगे। नंबर की पावर चाहे कुछ हो, नंबर चाहे बट्टे में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे दिक्कत है, चर को देखेंगे, चर की पावर हमारी सही है, पूर्ण संख्या है। तो ये भी कैसा है, ये भी सर एक चर में बहुपद है। ठीक, अब जैसे यहां देखेंगे भाई, एक ही इंग्लिश का लेटर यूज हो रहा है टी, एक चर तो है सर, एक चर, चर क्या है, टी चर है। यहां पर, यहां चर क्या था, एक्स, यहां चर क्या था, वाई। एक चर में, अच्छा बहुपद है या नहीं है, एक चर में बहुपद क्यों नहीं है, देखो बहुपद नहीं है क्यों, क्योंकि देखो 2 की ऊपर अंडर रूट लग गया, कोई बात नहीं, टी की पावर 1 ये भी ठीक है, लेकिन यहां टी की ऊपर अंडर रूट लग गया, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2। अगर मैं इसको लिखने लगूं तो ये हो जाएगा 3 टी की पावर 1/2 प्लस
टी अंडर रूट दो। तो मैंने बोला था टी के ऊपर की जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि ये एक चर तो है, मतलब इंग्लिश का एक लेटर तो यूज़ हो रहा है, एक के अलावा और कोई यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी पावर यहाँ पर अंडर रूट आ गई, या अंडर रूट को हम बोलते हैं ऐसे 1/2। तो इस वजह से एक चर तो है लेकिन क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो एक चर में बहुपद नहीं है, या यूं बोल सकते हैं एक चर है परंतु बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है वाक्य, क्योंकि क्योंकि क्या दिक्कत है, t की पावर 1/2 है, t की घात कैसी है, आधी है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला देखेंगे यहां पर। अच्छा ये क्या है, यहां भी एक चर है बिल्कुल। अच्छा इसको अगर मैं लिखने लगा, इसको अगर मैं लिखने लगा तो कैसे लिखूंगा, y प्लस, अच्छा बट्टे में है तो इसे ऐसे लिखते हैं 2y-1। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि जब नीचे पावर एक है, y की पावर एक है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब इस वजह से गड़बड़ हो गई, एक चर तो है लेकिन परंतु क्या दिक्कत है, y की पावर माइनस में हो गई। तो इसके लिए भी क्या देखें, देखो मैंने कहा था ना चर का मतलब क्या है कि कितने ए बी सी डी यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी के कितने लेटर यूज हो रहे हैं, एक लेटर यूज हो रहा है। तो एक चर वाई है परंतु बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, कारण बताना है, बहुपद नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि y की पावर -1 है। y की पावर कैसी होनी चाहिए थी, प्लस के 1 हो जाती, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्ण संख्या हो जाती। और मैंने पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो माइनस वाली पावर नहीं चलेगी, बट्टे वाली पावर नहीं चलेगी, अंडर रूट नहीं चलेगा, दशमलव पावर नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना है, किसकी, चर की पावर। ठीक, अच्छा इसको देखते हैं, यहां पर x भी यूज हो रहा, y भी यूज हो रहा और t भी यूज हो रहा। तो इंग्लिश लेटर के यहां पर कितने यूज हो रहे, 3, 3, तो एक चर नहीं है, तो फिर तो बहुपद की बात ही नहीं करेंगे, एक चर नहीं है, इसका ये कारण बताया हमने। ठीक है, तो ये सिंपल है, बस चीजें जरा सी ध्यान रखने वाली है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो मैंने बताया था हमें बताना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब समीकरण में देखना है या बहुपद में देखना है, एक्स स्क्वायर जिसका पूछेगा उसी को देखना है, दूसरों को नहीं देखना। एक्स स्क्वायर के बिल्कुल आगे का नंबर क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर ये वाला पद है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो यहां पर इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर देखेंगे, और एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर क्या है, 1 है। ठीक, अच्छा इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर चिन्ह सहित, वहां प्लस का था तो प्लस 1, एक्स स्क्वायर इस वाले की बात हो रही, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर जस्ट इसके आगे कोई नंबर नहीं है, चिन्ह क्या है, माइनस, तो -1। यहां से देखेंगे, अच्छा हमें एक्स स्क्वायर का बताना, तो ये है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणा वाला अंक, गुणांक π/2 है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है उसे लिख देंगे। सेम इसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पूछा हुआ था, अरे यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं,
सर आपने कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया? सर कभी गलत लिख सकते हैं, देखो क्या गड़बड़ है, मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो अगर कोई पूछे इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आप कैसे बताएंगे, तो एक पहले तो सिंपल तरीका, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है, जीरो कहा जाएगा। लेकिन इसे लिख भी सकते हैं ऐसे, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसीलिए हमने कहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ही नहीं तो हमने मान लिया जब कोई चीज़ होती नहीं है भाई, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हमारे लिए तो वो जीरो हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे जीरो लगा दिया, क्योंकि जीरो से गुणा होकर वो पूरा जीरो हो जाना है, बचेगा वही जो हमें दे रखा था। तो अगर ऐसा कभी हो कि जिसका गुणांक पूछा है वो वाला पद वहाँ मौजूद ही ना हो तो उसका गुणांक जीरो हो जाता है। तो गुणांक का मतलब है जिसका भी पूछेंगे उसके आगे का नंबर, जिसका भी पूछेंगे उसके आगे का नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दो क्वेश्चन कर लिए। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है आप देखेंगे, 35 घात के द्विपद, मतलब हमें द्विपद लिखना है दो पदों में जिनमें 35 घात होनी चाहिए, का तथा या और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब दो चीज़ें पूछी गई है, एक तो पूछा गया 35 घात का द्विपद लिखना है और 100 घात वाला एक पद लिखना है। तो देखो बहुत आसान है, 35 घात, घात का मतलब मैंने समझाया था ABCD के जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं ABCD, उनकी अधिकतम घात जो पावर होती है, तो 35 घात का, तो इस पहले वाले को लिख रहे हैं हम 35 घात का एक तो हमसे द्विपद पूछा गया है, द्विपद मतलब दो पदों वाला जिसमें दो पद यूज हो। तो देखो एक तो मैंने लिख लिया x या 3x, कुछ भी लिख लो आप, आगे गुणांक चाहे लगाओ ना लगाओ, x की घात 35, ये तो एक ही पद हुआ, प्लस इसमें कुछ भी जोड़ लो, प्लस 4 जोड़ लो, कुछ भी लिख दो आगे, तो पर इससे कम घात का चाहे 4x लिख लो, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो 35 घात का द्विपद, तो देखो एक पद ये एक पद ये, ऐसा भी लिख सकते हो 4x की घात 10 भी लिख सकते हो, 4x भी छोड़ सकते हो, इसकी पावर एक, इसकी पावर 35, तो घात किसको बोलते हैं, x की अधिकतम पावर को घात कहा जाता है, जो वहाँ पर चर यूज हो रहा है उसकी अधिकतम पावर को घात किया जाता है, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्या पूछा है इसमें, एक तो ये पूरा हो गया, नेक्स्ट पूछा है, कॉमा लगा रहा हूँ मैं, 100 घात का एक पदी, एक पदी 100 घात का क्या होगा भाई, देखो 100 घात का एक पदी लिखने, मतलब एक ही पद और उसमें घात कितनी होनी चाहिए 100, तो घात 100 क्या होगी, तो सीधे लिख लेंगे x की घात 100, या यहाँ पर 5 भी 6 भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक पद लिख लिया जिसमें घात कितनी होगी 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, नंबर तो आगे कुछ भी लगा सकते हो, पावर हमारी क्या होनी चाहिए, घात हमारी 100 होनी चाहिए, वहाँ लिखा हुआ 100 घात का एक पद, इसमें कोई जुड़ेगा नहीं, पद मैंने बताया था ना एक पद, यहां पर आप 3 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 3x की पावर वो 3 ना भी लिखो तो भी सही आंसर है, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लिख सकते हो, गुणांक आप लगा सकते हो। तो ये हो गया 35 घात का, तो ध्यान से रखें, दो पद का मतलब है एक पद ये और x की अधिकतम घात 35 होनी चाहिए और वहां 100 पावर, ठीक है, 2 लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात, अब वही बात होगी, हर एक बहुपद की हमें क्या बतानी है, घात लिखनी है। अब देखो ये हमारा बहुपद है, इसमें हमारा चर जो है वो x है, और घात किसे बोलते हैं, x की अधिकतम पावर, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 3, तो बहुपद में x की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, यहाँ 3, तो इसे बोलेंगे हमारी क्या, ये वाले पद में से निकलेगा x की पावर 3 जो है ये, इससे बोलेंगे घात। तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, घात कितनी होगी, 3 होगी, ठीक, घात 3 है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, देखो घात
तो यहाँ पर चर क्या यूज हो रहा है y, तो y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, यहाँ घात जो है 2 है। तो भाई बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हाँ, यहाँ पर हमें पावर देखनी है, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ बताएंगे, चर कौन यूज हो रहा है, टी, टी की घात कितनी है, घात कितनी है 1 है, क्योंकि टी की पावर कितनी है 1। गुणांक नहीं पूछा, अगर गुणांक पूछे होता तो टी का गुणा वाला अंक आगे का नंबर बताते, लेकिन पावर पूछी है तो पूरी समीकरण में जो भी एबीसीडी यूज हो रहा है उसमें सबसे ऊपर पावर किसकी है वही लिखने। अब यहां पर तो कोई भी चर यूज ही नहीं हो रहा, तो जब कोई चर यूज नहीं होता तो मैंने बताया था ऐसे को अचर बहुपद कहते हैं, और अचर बहुपद में जो अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है, या यूं भी बोल सकते हैं इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे भी, ये एक अचर बहुपद है। ऐसे बहुपद में जो घात होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जब x है ही नहीं तो उसकी पावर 0 हो जाएगी, जैसे हमने गुणांक लिखा था, जिस का गुणांक पूछा वो है ही नहीं तो गुणांक 0, तो जब घात वो x है ही नहीं, चर है ही नहीं, तो घात शून्य हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा भी बहुत आसान है, याद होगा हमने जब आपको इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रो में पढ़ाया था कि बहुपद को हम किस किस तरीके से देखते हैं। एक होता है हम बहुपद को देखते हैं कितने पद हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक देखते हैं घात के आधार पर। तो यहाँ बताना है, बताइए निम्न बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, मतलब एक घात वाला, द्विघाती मतलब 2 घात वाला, और त्रिघाती मतलब 3 घात वाला। तो हमें इनमें से छाटना है कि कौन कौन सी घात वाला है। तो देखो वही चीज, घात कैसे देखते हैं, x यूज हो रहा है उसकी सबसे बड़ी पावर 2, तो ये क्या हुआ 2 घात वाला, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विघाती। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक। अच्छा सेकंड देख लें, यहाँ x भी, यहाँ भी x यूज हो रहा है, x की अधिकतम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया, त्रिघाती लिख देंगे इसको, ठीक है। हाँ फिर ये क्या है, आप बताएंगे, इसमें y यूज हो रहा है, y की पावर 1, y की पावर 2, y की घात 2 है, यहाँ y है ही नहीं, तो इस पूरे बहुपद में y की सबसे बड़ी पावर 2, तो ये क्या हो गया बेटा, द्विघाती। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, ठीक। आगे चलेंगे, तो ये आंसर मैं साथ साथ लिखते चल रहा हूँ और समझा रहे हैं, जो चीज़ समझ रहे हैं हम उसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बात हमें अभी आगे की एक्सरसाइजों में बहुत मदद करेगी। अच्छा यहाँ x की पावर अधिकतम, क्योंकि x यूज हो रहा, अधिकतम घात 1, तो ये क्या हो गया, रैखिक। ध्यान रखेंगे जब एक घात होती है तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक। तो हमें बताना था कौन सा बहुपद है, तो यह एक घात है तो इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, इसे द्विघाती बहुपद, इसे त्रिघाती बहुपद, इसे द्विघाती बहुपद, मतलब 2 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद। अब यहाँ पर एबीसीडी का टी यूज हो रहा, उसकी अधिकतम पावर 1 है, तो इसे बोलेंगे, इसे भी क्या, रैखिक, ठीक। यहाँ एबीसीडी का आर यूज हो रहा है, उसकी पावर 2 है, तो क्या होगा, द्विघाती। तो बताओ कितना इजी है, बस हमें नंबर देख के आंसर देना है। लास्ट वाला क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 का मतलब 3 घात है, तो क्या बोलेंगे इसे, त्रिघाती, बिल्कुल सही जवाब। तो भाई होशियार हो गए बच्चे सभी, कहाँ से पढ़ के, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ के। तो ठीक है, तो 2.1 हमारी खत्म हो गई, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी हमने 2.1 कर ली। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएगी वो 2.2 पे आएगी, तो शायद से मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा से चल रहा है हमारा ये, तो अगर वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो WhatsApp ग्रुप में शेयर किया कि नहीं किया, तो जल्दी से आज ही ये वाली वीडियो शेयर करनी है, फ्रेंड्स को बोलना है यहाँ से देखो टेस्ट में पूरे नंबर आने वाले हैं, तो शेयर करना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी लिखना है, सर हमें कैसा लग रहा है वीडियो ये बताना भी है साथ में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है, सब्सक्राइब लेना है, फटाफट सब्सक्राइब करके और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है बेल बटन दबाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 2.2 के साथ, बाय।